नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। लोकसभा के चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है। कांग्रेस ने राजगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। दिग्विजय सिंह 16 अप्रैल को अपना नामांकन भरने जा रहे हैं, जिसके लिए 7 मई को मतदान होना है। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर एक अपील की है कि कार्यकर्ता उनके नामांकन रैली में शामिल ना होकर बूथ मजबूती का काम करें, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी का भी बयान सामने आया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है तो बूथ कहां से मजबूत होगा। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी बात इस विषय पर रखी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बीजेपी जो है वो मोदी जी की गारंटी की बात करती है, लेकिन अब जो मूल मुद्दे हैं उससे भटक रही है। लगातार जो वादे किए गए थे उन वादों पर काम नहीं किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों से भटक कर अपनी बयानबाजी कर रही है। देखिए, भारतीय कांग्रेस के अंदर दिग्विजय सिंह जी अपील कर रहे हैं, उस अपील का क्या असर होगा, क्योंकि कांग्रेस में कार्यकर्ता तो बचे नहीं। अभी मान लीजिए जीतू पटवारी जी के कार्यकाल में तो लाखों कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ चुके हैं, तो मुझे लगता है और बूथ पे तो इनका कार्यकर्ता बचा ही नहीं है। और जिस प्रकार, तो ये सारी अपील निरर्थक सिद्ध होंगी। और जिस प्रकार से, लेकिन कांग्रेस जो है, ज़रूर मैं कहूँ, दिग्विजय सिंह जी और ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया में ज़रूर रहते हैं, मीडिया जीवी ज़रूर हैं। इनका बूथ लेवल पे कार्यकर्ता है ही नहीं, बचा ही नहीं है, कैडर ही नहीं बचा है। और जिस प्रकार से, अगर इतना ही अच्छा कैडर होता इनका, एक बूथ और 10 यूथ होते, तो आज इनका जो युवा कांग्रेस का प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनको नहीं बदलना पड़ता। उनसे त्यागपत्र मांगा गया, जो आयका जनजाति वर्ग से आते हैं विक्रांत भूरिया, उनको दबाव डाला गया, उनका त्यागपत्र ले लिया गया। अरे, त्यागपत्र तो लेना था जीतू पटवारी जी का, त्यागपत्र तो जीतू पटवारी जी को देना चाहिए कि वो असफल कांग्रेस के हलके को नहीं संभाल पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस रूपी हलके में से नेता भाग रहे हैं, लाखों नेता, लेकिन और जीतू पटवारी जी एक असफल पटवारी सिद्ध हो रहे हैं, तो उनका त्यागपत्र मांगना चाहिए था दबाव डाल के केंद्रीय नेतृत्व को। लेकिन कांग्रेस ने विक्रांत भूरिया का त्यागपत्र ले लिया, ये अच्छा नहीं किया, जनजाति भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है कांग्रेस ने। दिग्विजय सिंह जी 16 अप्रैल को नामांकन बनने जा रहे हैं, अपील की थी कार्यकर्ताओं से कि वो यहाँ नहीं आए, बूथ पर काम करें। बीजेपी बोल रही है कि उनके पास कार्यकर्ता ही नहीं, तो बूथ पर क्या काम होगा। भारतीय जनता पार्टी, जिसे प्रदेश के मूल मुद्दों पे बात करना चाहिए कि किसान की हालत क्या है, नौजवान की स्थिति क्या है, गरीब की स्थिति क्या है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, जो वादे करे थे उनका क्या हुआ, चिंता नहीं करे। कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है, जब भी 40% से ज़्यादा वोट हर समय विधानसभा में भी आ रहे हैं, लोकसभा के अंदर भी 72% के आ रहे हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों से भगने के लिए सिर्फ इधर उधर की बातें कर रही है। ये बताए 2700 रुपये कुंटल गेहूँ का जो मोदी जी गारंटी देके गए थे उसका क्या हुआ, 3100 रुपये कुंटल धान का कह के गए थे उसका क्या हुआ, जो महिलाओं को 3000 का कह के गए थे उसका क्या हुआ, जो बेरोजगारों का प्रदेश मध्य प्रदेश को और देश को बना दिया उसका क्या हुआ। मोदी की गारंटी पे बात करें, ना कि इधर उधर की बातें करें। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी को किसानों के मुद्दे पर बात करनी चाहिए, लेकिन वो किसानों के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, और अब कांग्रेस के लिए बयानबाजी करने से पहले उन्हें अपने घर में झांकना चाहिए। मोहम्मद ताहिर खान, प्रभासाक्षी न्यूज, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।